तो चेक इन कर दिया था मैंने, ठंड बहुत है, लाइक 0 डिग्री हो चुका है। एंड वो पाल जी पीछे, उनको बोला 3 नंबर पे बैग लगानी है, तो 3 नंबर अभी इधर है, ये रहा 3 नंबर ब्लू वाले ट्रेलर के साथ। ब्लू वाला तो डिलीवरी करने आया था शायद, पता नहीं पिकअप करने आया था, उसका तो हो गया डन, यहाँ पे लगाएंगे बैग। एक डोर तो भी मैंने खोल दिया, सील भी तोड़ दी, बट ये वाला डोर खुल नहीं रहा, ये वाला डोर नहीं खुल रहा। तो अभी पाल जी आएंगे, यहाँ से मैं खोल देती हूँ, ये थोड़ा सा आधा आ जाता है, बट ऊपर वो ना कहीं पे अड़ रहा है, मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा त्यागी आ गया है, मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा त्यागी आ गया, बताओ क्या हुआ मैडम, ये खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा, खोलो जरा, बस इतना की आता है, ऊपर कहीं अड़ रहा है वो, पता नहीं क्या, हाँ कहीं नहीं अड़ रहा, इसीलिए कहता हूँ खाओ पियो मरो कुछ अड़ रहा है, खाओ पियो या मरू वो ही होता है सब कुछ। देखो कितना इजी था, मेरे से तो खुला नहीं, क्योंकि आपने जान ही लगाई ना, आप ऊपर देखते रहे, लगाई तो थी भी मैंने, अगर ऊपर अड़ेगा तभी अड़ेगा जब हम बंद करेंगे, नीचे सिर्फ जब हम खोलते हैं, ये देखो यहाँ से कुछ हुआ है, हाँ नीचे यहीं से अड़ेगा, ऊपर नहीं देखना। अच्छा चलो चलो, इसको मैं उठा लूं अभी, तो अभी बैक कर दें, सीधा सीधा तो हो गया है, एक्सल बोला नहीं उन्होंने मूव करने को, तो ये अभी 3 नंबर पे लग, सही टाइम पे लगा ली हमने, अभी ये एक बैग लगा रहा है, हमारे साथ लगाएगा लगता है, तो ये भाई ने हमारे साथ लगानी है, सही टाइम पे लग गई ना पाल जी हमारी बैग, हमारी वैसे भी लग जानी थी बेटे, हाँ वही तो इस साइड पे लग गई, क्यों अगर अगर उधर भी होता यार, आप किसके साथ आए हो बेटा जी, इतनी से मान नहीं करता बैग का, लेकिन इतनी तो मैं लगा लेनी थी, हाँ पे नहीं भी लगती ज्यादा टाइट हो, नहीं लगती मुझसे, नहीं मैं वैसे बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ मैं पहले नंबर पे जाके लगी हूँ, ठंड में खड़ी रही मैं ये कह रही हूँ, इतनी तो जे इसने ऐसे ही वो बना दिया, अरे वैसे भी वो आगे ट्रक खड़ा था ना, तो उसको थोड़ा सा कहना, हाँ वही तो ये गलती की ना इसने, उसको बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए कि भाई आगे पीछे कर ले कि मैंने बैग लगानी है, यही तो इसने गलती की है कि खुद पंगे ले रहा है, चलो थोड़ा वो भी उसकी हेल्प कर रहा, नहीं तो उतर के हमने करवा देनी थी हेल्प, हाँ। तो ये होता अगर आप ट्रक चलाते हो रेदर देन अगले की वीडियो बनाना हंसना उस पे जाके उसकी मदद करवाओ, हाँ जी ये फिर भी सही कर रहा है, नहीं तो कहीं तो हेल्प किसी की हेल्प भी करवा रहे हो तब भी उससे लगती नहीं है, लेकिन ये तो लगा लेकिन अगर ये उससे कह देता ना कि मूव कर लो, हाँ इसके बड़ी आसानी से लग जानी थी, बहुत आसानी से लग रही है, इसने उसे कहा नहीं मूव करने को, मेरे पाल खराब हो गए, खोल लो जरा, तो कहाँ गए आप, मैं बुक डालूं अभी, डिलीवरी हो गई है डन, एंड जो नए हैं उनको बता दें क्या कि जब डन हो जाए डिलीवरी तो शिपिंग आईडी आपने एम्प्टी करके फिर चलना है, चलो तो शिपिंग आईडी मस्ट है कि आप एम्प्टी कर ले, पहले आप ट्रक बाहर ही निकाल लो ना पाल जी, हाँ बाहर निकाल के कर लेते हैं, हाँ। अगर स्केल पे पकड़े गए तो टिकट है इसकी, और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ बाहर निकलने के लिए, और आपसे वो बंद हो जाएगा इधर वाला, हाँ बंद तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, यस, तो ये यहाँ पे लगाया था और निकाल के हम वो बाहर ले जाएंगे, इस बंदे ने लगानी थी यहाँ पे बैग इसलिए, तो हमने सोचा डोर वगैरह वहीं पे जाके बंद करते हैं, थोड़ा प्लेन एरिया में हो जाएगा एक तो, और उसके लिए जगह छोड़े वो अपना ट्रक लगाने वाला बने, तो एक दो स्ट्रैप्स हैं, तो
थोड़ा और आगे ले जाए, साइड पे लगा ले, ऐसे रास्ता क्यों ब्लॉक करना। ये सही, यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स भी हैं, तो चलो भी। अब करें इसको बंद। तो होपफुली अब ये बंद हो जाए। भाई दोनों हाथों से जोर लगा के किया है, तो अब ये वाला बंद कर दूं। बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। चलो दोनों दरवाजे हो गए बंद, नीचे से भी और ये ऊपर से भी देख लिया। तो अब मैं जाके बैठूं के अंदर। सर्दी का मौसम हो गया शुरू। आज रात को यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला है, तो हमें अभी सुबह भी दिखा रहा था, बट हमने सोचा कि हाँ ये बस जल्दी जल्दी निकल जाए यहाँ से। तो आई एम बैक इन ट्रक, कर लिया मैंने बंद बाल जी। वाओ, क्लैप फॉर यू। इसी बात पे आपको मिलेगी अभी स्टारबक्स। ओह स्टारबक्स। हाँ, पर मैंने भी कुछ खाया नहीं। तो मैंने साथ में कुछ खा लेना और साथ में स्टारबक्स। पता यहाँ पे वॉशरूम में लेबल नहीं थे, तो इसलिए जिस रोड पे मैंने जाना उधर भी नहीं है, वही वाले रोड पे जाना है। चलो रोड का तो कोई नहीं, यहाँ पे वॉशरूम में लेबल नहीं थे जहाँ पे हम डिलीवरी करने आए थे। तो मैं सुबह जब से मेरी शिफ्ट खत्म हुई है मैंने अपना डिनर ही नहीं किया। मैं कह नहीं पहले डिलीवरी कर ले, बाद में कुछ खाऊं भी होंगी। चले और काफी दूर जाने लगे हम। हाँ, 9 घंटे का सफर है, मतलब मेरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हाँ, रास्ते में ही हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो ये अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सड़कें इंडस्ट्रियल एरिया है, बट सड़कें देखो कितनी खुली डुली है, मतलब दोनों तरफ ट्रक अगर पार्किंग करके खड़े भी हो जाए ना, तब भी बहुत खुली डुली सड़क है। एंड इस वक्त हम हैं, और मुझे लगता है जो जितने भी ये इंडस्ट्रीज है ना साथ में, हाँ, इन्हें हम जो पैसे डाल के कर दें, क्या के वो ओपन कर दें, थोड़ा कोई वॉशरूम की एक्सेसिबिलिटी हो गई अगर रात को ड्राइवर आ गया यहाँ पे। सड़कों पे कहाँ करने लगे हैं ये, कोई करने की करेंगे नहीं ना, नहीं तो कर तो क्या नहीं हो सकता, करने को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम हैं फर्नले शहर में, जो कि नेवाड़ा स्टेट में है, और ये आता है I-80 में, I-80 हाईवे, और इसके आगे बस 48 माइल्स और है, 50 का माइल्स और है, हम कैलिफोर्निया में एंटर हो जाएंगे। दो स्ट्रैप्स हैं पाल जी इसमें ट्रेलर में, ठीक है। तो आपने निकाली क्यों नहीं? मैंने कहा आगे अगर पिकअप करनी है तो फिर उनको देनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बीच में ही छोड़ दी, वो खुद ही देख के लगा देंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट स्टारबक्स में, और एक और खुशखबरी मिली है हमें, बता दूं माल जी? बता दो। हम जा रहे हैं सैंडियागो, मतलब यहाँ से हम सैंडियागो जाएंगे, तो मतलब माइल्स अच्छी पड़ जाएंगी। यही ये जो आगे सड़क, इट्स नॉट अबाउट माइल्स, माइल्स तो वैसे ही पड़ आगे सड़क से हमने राइट मारनी, यहाँ से नहीं मुड़ेगा, यहाँ से नहीं मुड़ेगा, घूम के जाना था। कहाँ से घूम के जाना है? मोड़ो जरा पीछे, तो मोड़ने लगा, पीछे चढ़ जाएगा देखना। अच्छा, ऐसे क्यों चढ़ जाएगा? मैंने आगे भी बताया था आपको, आप किसके साथ बैठे हो, आप भूल जाते हो आई थिंक। यहीं पे लगा लो, यहीं पे माइल्स तो वैसे भी पड़ेंगी क्योंकि दूर जाना है हमने यहाँ से। हाँ, लेकिन एम्प्टी छोड़ना है और लोडेड उठ
उठाना है। अच्छा ये तो नहीं बताया था आपने मुझे। ये नो पिकअप, नो पिकअप। वाओ, सीधे सीधे जाएंगे, सीधे सीधे आएंगे, वापस उड़ाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, फिर सीधे सीधे जाएंगे, जहाँ से भी जाएंगे वहाँ से भी जाएंगे। हाँ ये चीज होगी। चलो वो सामने स्टारबक्स है, आए हाय बड़ा ब्राइट ब्राइट डे है, अब सेट हुआ तो वो सामने स्टारबक्स है, वो ले मैं पहले जाके। मेरे को ना पाल जी ये कैमरे में बड़ा मजा आ रहा है। मेरे महबूब, इसको मेरे महबूब। ऐसे स्विच करो, कोई कैमरा खोलने की टेंशन नहीं, कोई फोटो से कैमरा स्विच करने की टेंशन नहीं, कोई वीडियो ऑन करने की टेंशन नहीं, सब कुछ हाथ में पकड़े पकड़े हो जाता है, एकदम से चल पड़ता है। और कितनी आसानी है इसे बनाने का हमें। हाँ। हमें ना पहले क्या होता था, हम ना थोड़ा शाही कह लो या थोड़ा फील करते थे यार ऐसे फोन निकालेंगे सबके सामने तो अच्छा या नहीं लगता ना, जहाँ ऐसे जहाँ वो जो दूसरा बड़ा कैमरा था हमारे पास वो एक्शन कैमरा था, वो तो उसका क्या पंगा था, वो कलर्स अच्छे से नहीं पकड़ता था। तो स्टार्टिंग में तो हमें मालूम नहीं चला, हमें तब कमेंट भी आए थे याद है, जो कोलोराडो वाली हमने बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लग रही है, जी जी क्या किया हुआ है, कलर्स नहीं है पकड़े। तो बाद में हमें मालूम चला कि भी उसकी कलर ग्रेडिंग करनी थी हमने। तो ये एक्चुअल में व्लॉग कैमरा, तो अभी बेसिकली हम ट्रक अगर हमें कहीं किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे हमें कन्वर्सेशन करने की जरूरत है तो फोन में वीडियो को बनाने की बजाय मैं फोन पे बात कर सकती हूँ। हाँ। और इससे वीडियो बना सकते हैं। जी चले अंदर। चलो वेलकम फोन। हाथ तंग नहीं हो रहा। अच्छा। मालूम नहीं चल रहा हाथ को कि कुछ पकड़ा हुआ है, है ना? लाइट वेट बहुत है। अभी तो मैंने नीचे इसकी एक बैटरी लगा दी और इसका वो ट्राइपॉड लगा दिया, नहीं तो हाँ। इतना सा है। लेकिन इसका हम ढूंढते हैं अगर कुछ और भी इसके नीचे लगता हो बड़ा करने के लिए से। नहीं अगर टेबल पे बैठना तो ठीक है, लेकिन ये चीज बड़ी नहीं है ना इसकी। इसके नीचे जो स्क्रू लगता है ना, वो स्क्रू यूनिवर्सल होता है, इसको चाहे हम बड़े ट्राइपॉड पे लगा दे चाहे कैमरा पे लगा दे, किसी पे लगा दे, तो हमारे पास तो पड़ा ही हुआ है। हाँ, वो यूनिवर्सल होता सही है। तो ये निकल चुके हैं हम 95 हाईवे पे जो फर्ले से लास वेगास और कार्सन सिटी की तरफ जाता है, बट हमने लास वेगास नहीं जाना, हमने सीधा जाके हेस्पेरिया विक्टरविल में जाके 15 हाईवे पे जुड़ जाना है, जुड़ नहीं जाना, रल जाना है मतलब, फिर वहां से हम जाएंगे सैन डिएगो। तो वो रास्ता तो हमारा रेगुलर वाला है, ये रेगुलर वाला नहीं है। एंड ये आसपास कितना उजड़ा हुआ है और ये जो कॉलोनियां बनाई हुई है इन्होंने ना घरों वाली, कितनी अच्छी साफ सुथरी है ये चीज। ये देखो एंट्री चेक करो, ये सही है, वो देखो ज्यादातर बंजर जमीन है ना, तो ऐसे ही खुले में नहीं इन्होंने ज्यादातर घर बनाए हुए। अगर किसी एरिया में घर बने हैं तो उनको पूरा प्रॉपर एक कम्युनिटी टाइप बनाया हुआ है। ये आई थिंक स्कूल होगा मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए। ये 95 हाईवे है और इसका आगे जाके बन जाएगा 395। एंड ऐसे ही ये वादियों वाला हाईवे है, वीडियो में दिखाया भी था थोड़ा सा लेकिन हाँ। दिखा नहीं पाई इस बार ना भैया, मैं तुम्हें उठा दूंगा पहले ही, ठीक है तो फिर इस बार अच्छे से दिखाएंगे, इस बार ये कैमरे में दिखाएंगे। हाँ कैमरा भी देखते हैं ना ये क्या क्या चमत्कार करता है अलग। हाँ कलर्स अच्छे आएंगे। हाँ जूम भी है, वो फोन की तरह जूम भी कर सकते हैं जैसे हम। ओके
तो अब हम पहुंच गए हैं पिकअप करने। तो सुबह कितने बजे चले थे हम वहां से? हम चले थे 9:30-10 बजे चले थे और 10:45 पहुंचे हैं। तो वही ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए रुक रुका कर और सारे काम करते करते। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम कहाँ आए हैं। हम बेसिकली आए हैं सैमसंग के यार्ड में। और तो ये बैग मैंने लगा दिया और देखें आप भाई यार्ड देखें इनका गुप अंधेरा। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ही क्यों आपका होस्ट बना हुआ हूँ? क्योंकि पूजा को उन्होंने बाहर रुका लिया, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बैग लगाई है जे रहा। तो अभी चलिए सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम इसकी पिक्चर्स खींच लेंगे कि भाई मैंने कैसे ड्रॉप किया था, जब मैंने ड्रॉप किया था तो तब कोई वो था या नहीं, डैमेज वगैरह था ट्रेलर को या नहीं। तो मैं पिक्चर्स खींच लूँगा अच्छे से, राइट। तो ये भी आप जरूर करें, अगर हमारी कंपनी तो मांगती है, राइट। अगर आपकी कंपनी मांगती है चाहे नहीं मांगती, आप फिर भी खींचें, क्योंकि ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है ये चीज़। तो ये देखो, तो इनका ये बोलता है कि भाई एक ही ड्राइवर अंदर जाएगा। तो ये पंगा है कि अगर आपके साथ टीम ड्राइवर है और आपको बैक लगाने नहीं आती और उसे स्पेशल उठना पड़ रहा है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, है ना, टीम में। लेकिन हमारा तो ठीक है, चलो घर की बात है, है ना, घर ही पैसा आना दोनों का, तो इतना कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो मैं भी सो गया था, तो पूजा ने उठाया मुझे कि भाई हम पहुंच गए हैं, तो बैग लगा दो जी और जाओ ट्रेलर ले आओ जाके। और मैं आपको बता रहा हूँ जो हम यहाँ पे आए हैं इस पे हमें स्पेशल क्या करना पड़ता है इस वाली पिकअप पे। तो स्पेशल ये है कि हमें इसकी ग्लैंड हैंड की ओ रिंग्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये ना मेक्सिको के बॉर्डर पे है। एक तरह से हम अभी मेक्सिको का बॉर्डर साथ ही में है। तो ये देखो सभी निकाल देते हैं या मालूम नहीं जो चुरा लेते हैं क्या करते हैं, आई डोंट नो। ये देखो निकाली हुई हैं सभी ने, तो हम भी ये ही निकालेंगे अब। तो देखते हैं, अगर तो आसानी से निकल जाएगी तो ठीक है, अगर आसानी से नहीं निकलती तो फिर भैया जी हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं फिर, ठीक है। पहले ग्लैंड हैंड कर लें रिमूव, और इससे भी अच्छी तरह से टेस्ट करना चाहता हूँ मैं कैमरे को कि भाई कैमरा कितने जगह है। वाह, मैं वहां पे रख के आपसे बातें कर रहा हूँ और अभी मैं काम करने लगा हूँ। आया मैं, ओ हाय, मैं यही था, आपको लगा हुआ कि कहाँ चला गया हमें छोड़कर। नहीं नहीं मैं यही था। तो जी है इससे मुझे, हाँ वाह यार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ अगर पूजा भी अकेली कर रही है तो उसे भी किसी की जरूरत नहीं है, तो हम खुद अपनी वीडियो बना सकते हैं। एंड आई थिंक ये कैमरा ऑसम होने वाला है हमारी व्लॉगिंग जर्नी में, और जैसे हमने दूसरा चैनल बनाया है तो ये ऑसम होने वाली है ये चीज। काम तो हो गया, अब हमने निकालनी है इसकी ओरिंग्स, तो वो देखते हैं इजीली निकलती हैं या फिर पंगे लेने पड़ेंगे हमें। तो लो जी, मैडम जी का फोन आ गया। हेलो, नहीं बस ओरिंग्स कड लगा ड्रॉप किया जी। ओके बाय बाय। तो ये देखो, तो ये निकालनी है हमने भाई। ओह, ये टाइट है, ओह ये भी टाइट है, टाइट है। तो अभी हम लेके आएंगे अपना हथियार। तो हथियार कौन सा है हमारा? आह ये रहा। तो एस छोटा मोटा टूल बॉक्स आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आपको काम आता है चाहे नहीं आता, क्योंकि अगर आपको नहीं आता कोई मिल ही जाएगा रोड पे जिसे आता होगा। एंड
ही विल बी एबल टू हेल्प यू राइट। तो चलिए जे मैं लगा रही है तो देखता हूँ निकाल के क्या बनता है। पकड़ लिया, ढूंढ लिया मैं, कहीं नहीं जाने दिया। तो ये निकाल लिया मैंने, अभी दूसरी की बारी। वो भी गिर गई, हो शुक्र है जी, अंदर नहीं बड़ी। चलो जी, तो ये लो मैंने दूसरी भी निकाल ली। तो आप, हाँ एक्स्ट्रा है हमारे पास, लेकिन हम अपने ट्रेलर की किसी को चोरी क्यों करने दें राइट, हम खुद ही चोरी कर लेंगे। तो मतलब चोरी का ही किया, यहाँ इस ट्रेलर से उतार के दूसरे ट्रेलर पे लगा देंगे अब हम। तो ये बात है कि वो दूसरे क्यों से लेके जाएं राइट, आप ही अपनी चीज उतार के अपने ट्रेलर पे लगाओ और कंपनी के पैसे बचाओ। चलो, क्योंकि अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और उस कंपनी के प्रति आप फेथफुल नहीं है ना, तो भाई लानत है। क्योंकि हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन बंदे को अपनी कंपनी की तरफ फेथफुल जरूर रहना चाहिए, गुस्से के लिए एक तरफ जो भी है, लेकिन अगर कंपनी बढ़ेगी तो भाई तुम बढ़ोगे ठीक है, अगर कंपनी रुकी तो ये देखो तुम भी रुक जाओगे राइट। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी कंपनी में ही है, अगर अगर तुमने कंपनी में ही काम करना है राइट, तो इसलिए इसे चमचागिरी नहीं कहते, किसी की बातों में नहीं आने का कि भाई जो चमचागिरी या चमचागिरी करता है जे या ब्ला 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 राइट, चमचागिरी नहीं है। आप अपनी कंपनी के हित में सोचते हो, आप अपनी कंपनी के फायदे में सोचते हो राइट। तो चलो चलते हैं, और इसे हम ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइट था, तो इसकी हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी मेरे हथियार की राइट। तो चलो चलते हैं। तो एक साइड ड्रॉप किया हमने, तो दूसरी साइड से हम उठाएंगे, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं दूसरी साइड पे उठाने ट्रेलर को। जो लोडर ट्रेलर खड़े हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि ये लोड मेक्सिको से आता है और वहाँ के जो मेक्सिकन ड्राइवर हैं वही इसे लेके आते हैं, और हम इसे जहाँ से कनाडा में लेके जाते हैं, तो ऐसा होता है बेसिकली। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो पूजा जी को उन्होंने वहीं वो बाहर ही रुकवा लिया था, वो उधर पूजा जी खड़ी हैं उनके शेड में, और हमें जाना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो वो खड़ी हैं पूजा जी उधर, मे भी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, खड़ी हैं पूजा जी। तो अभी हमने यहाँ पे कोई इनका हिसाब किताब नहीं है, स्ट्रिक्टनेस ऐसे की हुई है जैसे मालूम नहीं क्या मतलब होते हैं, कहाँ के राजे हैं ये, और रोड देखो इनका, और कोई हिसाब किताब नहीं है नंबरों का, ट्रेलर कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, अपने ही मन में इन्होंने वो बनाए हुए हैं नंबर, और वो नंबर देख लो जाके, तो कभी वो नंबर होता ही नहीं है, ढूंढते रहो आप कहाँ पे हो, ढूंढते रह जाओगे वो वाली बात है। कहाँ है रे तू ओ रे ट्रेलर, तो यहाँ पे तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा,
शिट यहाँ पे नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा अभी आगे। ये हमारा एक ट्रेलर तो खड़ा है लेकिन वो वाला नहीं है जो हमने उठाना है। और ये देखो इनके काम, यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी, बैग जाओ अगर उधर जाना है। देख लो काम इनके भाई साहब। ये रहा ट्रेलर जो हमने उठाना है, ये रहा भी फाइनली मिल ही गया आसानी से, इतना टाइम नहीं वेस्ट करवाया इसने हमारा। तो जो टिल्टी लाइट जगा लेंगे पीछे वाली हम, ओहो वाओ रोशनी रोशनी होगी पीछे तो। तो चलिए टाइम बच गया, नहीं तो ढूंढने में इसे बहुत टाइम जाता था हमारा। जाइए अगर दो जाने हो ना फिर एक जाना चलकर पैदल ढूंढ लेता है ना, एक आइल एक जाना चेक करता है, दूसरी आइल दूसरे दिन चेक करता है और जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये इनका मालूम नहीं क्या है कि बंदा पूछे कि इन्हें लगता है कि जब तक एक ड्राइवर हुक कर रहा है कहीं दूसरे ड्राइवर है जो कोई ट्रेलर खोल के लूटपाट ना कर ले। तो बेसिकली मुझे तो लगता है इसी बात कारण जे एक ही ड्राइवर को अलो करते हैं अंदर जाने के लिए, नहीं तो और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि भाई नहीं भी आप सिर्फ एक ही ड्राइवर जा सकते हो अंदर, एक ही ड्राइवर अलाउड है, राइट। तो इसी के साथ यही थी आज की हमारी बातचीत, आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और आई होप आपको ये कैमरे की क्वालिटी पसंद आएगी, और ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये कैमरा अच्छा लगा या नहीं लगा। और हमारे दूसरे चैनल को भी इसी तरह प्यार दें, प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें। और एक जो कंडीशन होती है 1000 फॉलोअर्स की, 1000 फॉलोअर की, वो तो हम पूरी करें, राइट, सब्सक्राइबर्स की। अपनी 1000 लोगों का जो अपना परिवार है वो तो हम बनाएं उस पर, राइट। जो दूसरी कंडीशन होती है 4000 आवर्स, 4000 आवर्स करने की, वो तो फिर धीरे धीरे अपने अपने आप हो ही जाएगी, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं और इसी के साथ देखते रहें पाल और पूजा को, कहाँ पे देखना है, कैनेडियन ट्रकर कपल पर और डिंक लाइफ पे भी, डिंक लाइफ चैनल पे भी देखना है हमें आपने। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए शब्बा खैर।